भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको YouTube बैनर बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। जैसे कि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं वे लोग अपने चैनल पर जो बैनर लगाए होते हैं भाई बहुत ही प्रोफेशनल बैनर उनका लगता है। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी तरह का जो है एक प्रोफेशनल बैनर बनाना सिखाने वाला हूँ। और भाई आपको इसके लिए ना कोई लैपटॉप चाहिए ना कोई डेस्कटॉप चाहिए, आपको सिंपल अपना फोन को यूज करना है। और भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा काम AI करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। और आपको मैं वीडियो में ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा और मैं आपको ये पूरा फुल्ली तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरह से एक प्रोफेशनल आपको अपने चैनल के लिए आपको YouTube बैनर को क्रिएट करना है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर भाई आप लोग वीडियो को भगा भगा के अगर आप देखोगे भाई तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई कि वीडियो को आप लोग ध्यान से बिना स्किप किए आप लोग फुल्ली देखिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को फुल्ली देख लेते हो भाई तो आप भी इस तरह के आप लोग बैनर बनाना सीख जाओगे। और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग अपने चैनल पर जो बैनर लगाए होते हैं आप लोग उस तरह के आसानी से आप लोग जो है बैनर बना सकते हो, साइज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ आप ध्यान से देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अब मैं आपको अपने चैनल का बैनर बना के दिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था उस तरह के। देखो भाई उस तरह के बैनर बनाने के लिए आपको ज़्यादा पावर मिलना नहीं है, आपको सिंपली आपको बस कुछ स्टेप को फॉलो करके आप लोग भी उस तरह के बैनर बना सकते हो। देखो सबसे पहले आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए, जो भी आप फोटो अपने आप यूट्यूब चैनल का जो बैनर होता है ना जो बनाओगे उस पर आप लगाओगे तो आपके पास में फ़ोटो होना चाहिए PNG के रूप में। अगर आपको PNG नहीं करने आता है, आपको JPG फोटो है, तो सिंपली आपको गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रिमूव BG। आपको सर्च करने के बाद में यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो को अपलोड करके और आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपने इमेज को रिमूव कर लेना है, PNG के रूप में आपको बना लेना है, उसको अपने गैलरी में आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि एक ऐप आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, नहीं तो अगर आप उसका मोड ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में सिंपली क्या करना है कि आपको ओपन करना है। यह सारा काम ऑटोमेटिक होगा, AI करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपलोड कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको आपको अपने चैनल के लिए आपको एक बैनर इमेज को कवर को बनाना है। तो चलिए मैं ये सारा कुछ आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ऐप को ओपन कर रखा है। आपको अभी सिंपली क्या करना है कि आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे आपसे आपके गूगल अकाउंट मांगेगा। तो अगर आपके फ़ोन में जो भी गूगल अकाउंट सबका फ़ोन साइनिंग होगा आप सिंपली वहाँ पर आपको उसी ID से आपको साइनिंग कर लेना है। साइनिंग करोगे उसके बाद में आपको अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्च योर कॉन्टेंट लिखा हुआ है, इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे सिंपली आपको YouTube का कवर बनाना है ना, बैनर कवर बनाना है ना, तो सिंपली आपको YouTube बैनर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करोगे उसके बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे टम्पलेट यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको टम्पलेट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी आपको मैंने दिखाया है कि मेरा थंबनेल भी आप देखे होंगे। ठीक है, उसी तरह का आपको टेम्पलेट यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा है ना ये परफेक्ट साइज का है, आप लोग अपने बैनर पे अपने चैनल पर अगर आप लोग इसको लगाते हो भाई तो परफेक्ट जो है ना वहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाएंगे। तो अब आपको किस तरह से जो है आपको बनाना है भाई, यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे को ये वाला मेरे को पसंद आ गया, आपको सिंपली इसी तरह से पसंद करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपली क्या करना है कि आपको टैप कर देना है, उसी इमेज पे आपको टैप कर देना है जो आपको पसंद आ जाएंगे। जैसे ही आप टैप करोगे कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 16:9 का ये जो है रेशो है, उसके बाद में बीच में जो है ना कि कुछ इस तरह के जो है यहाँ पे
आपके सामने ये दिखेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है ना कि अब आपको यहाँ पे इमेज तो आपका इमेज नहीं है, आपको अपना इमेज लगाना है, जो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने फोटो को जो है आपको PNG के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, और आपने कर भी लिया होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इमेज को चेंज करना है। तो इमेज चेंज करने के लिए सिंपली आपको इमेज पर टैप करना है, रिप्लेस पर टैप करना है, उसके बाद में डायरेक्ट जो है आपको ये जो है आपकी गैलरी में लेकर चल जाएगा। सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करना, आपको अपने गैलरी में देखना है, अगर आपके पास में जो भी आपने जो PNG कन्वर्ट करके रखा होगा वो वाला इमेज को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने PNG में मेरा एक इमेज था, मैंने उसको यहाँ पे डाल लिया, आपको भी डाल लेना है। जैसे आप डालोगे उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये चाय कॉफ़ी वाला है, कॉफ़ी बार वाला है, तो अगर आप चाहते हो इसको भी रिप्लेस करने के लिए इस पर टैप करोगे, रिप्लेस करके आप यहाँ से, मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप अपलोड इमेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है ना कि आपको बहुत सारे आपको इमेज मिल जाएंगे जो आपके गैलरी में होगा। इमेज पे आप आओ यहाँ पे, सॉरी फोटो पे आओगे तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट फोटो मिल जाएंगे, ठीक है, ये नॉन कॉपीराइट आपको फोटो मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप कोई भी फोटो को आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है ना कि आपको सर्च कर लेना है। तो मैं ये वाला मैं देखता हूँ, चलो मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अब आपको टेक्स्ट को भी क्या करना है, चेंज करना है। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको टेक्स्ट पे टाइप करना है, एडिट पे टाइप करना है, उसके बाद में जो कुछ भी लिखना चाहते हो ना आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा वाला यहाँ पे लिखा हुआ मतलब आपको मिल जाएंगे। फिर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये वाला जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इस पर आपको टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे एडिट करना है, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने लिख दिया। अगर आप कुछ और भी चाहते हो लिखने के लिए तो आप सिंपली लिख सकते हो, और आपको ज़्यादा टेंटिंग फेंटिंग नहीं करना है, आपको सिंपल एक नॉर्मल क्या करना है कि आपको यहाँ पर आपको अपने चैनल के लिए एक बैनर बना लेना है। बनाने के बाद में अब यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, सिंपली आप आपको इसको अपने फ़ोन के अंदर क्या करना है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे भाई, आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे देखो एक तीर का आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे एक दूसरा विंडो आपके सामने खुल जाएंगे, और खुलेंगे क्या डायरेक्ट ये जो है ना कि आपके फ़ोन के अंदर जो है ना कि एक्सपोर्ट ही होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आपके फ़ोन के अंदर मतलब मेरे फ़ोन के अंदर जो है ना ये एक्सपोर्ट हो रहा है, आपके भी फ़ोन के अंदर जैसे आप टैप करोगे तो ये जो है एक्सपोर्ट होने लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, मेरे गैलरी में जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। और आपको भी इसी तरह से क्या करना है कि आपको बनाना है, और यहाँ पे आपको एक नहीं भाई, यहाँ पे आपको हज़ार के तादाद में जो है आपको उस तरह के आपको बैनर मिल जाएंगे जो कि आप अपने वीडियो में आप यूज कर सकते हो भाई, और कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना ही स्ट्राइक आएंगे। तो आई होप आप लोग भी अपने चैनल के लिए बैनर बनाने के लिए सीख गए होंगे। अगर भाई आप लोग सीख गए होंगे भाई तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा भाई तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। और भाई ये जो ऐप है ना, इस ऐप का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप में इस ऐप का लिंक को मेंशन कर दूंगा। आप लोग सिंपली उस लिंक पर टाइप कीजिएगा, जैसे आप टाइप करोगे डायरेक्ट जो है ये ऐप आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप लोग मोड चाहते हो या फिर अगर आप नॉर्मली आप इस ऐप को यूज करना चाहते हो भाई, तो चलिए आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।